हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जिसके अक्सर 10 ए अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 बी के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट हेडिंग में आपको गिवन है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन को आपको रिड्यूस करके किसमें चेंज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद। यदि मैं उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया, फिर उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, थ्री टाइप्स के आपके क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो मैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करूं, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 10 बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको देखिए सबसे पहले कि कैसे आपको रिड्यूस करना है। जैसे सपोज कि ये इक्वेशन आपको गिवन है, एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन गिवन आपको। इस इक्वेशन को आपको इक्वेशन ये इसको रिड्यूस करके किसमें चेंज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। इसकी डिग्री कितनी है, 4 डिग्री, यानी 4 डिग्री इसकी, ध्यान रखना। फिर उसके सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, तो करते हैं। देखो ध्यान से देखना बस थोड़ा सा, इसी में लेट कर लीजिए, लेट करके पुट कर दूं कि एक्स स्क्वायर को मैं क्या पुट कर दूं, वाई पुट कर दूं, क्या कर दूं, वाई पुट कर दो। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूं ना कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैं यहां पे वाई पुट कर दूं, तो वैल्यू आएगी आपकी वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्या आपकी y वेरिएबल के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना है। यदि होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के पास में उससे कर सकते हो आप। तो क्या लिख सकते हैं इसको कि y स्क्वायर माइनस 5, देखो कितना लिखे, ये लिखो 6y माइनस का, नहीं हो रहे क्या, हो जाएंगे ना, ये देखो 3y माइनस 2y प्लस में 6 इक्वल टू में 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन निकाल दीजिए y को, तो y माइनस 3, लास्ट 2 में से 2 को कॉमन निकालो तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से और यहां से कॉमन क्या रहा आपका, y माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों में से एक 0 है, या तो ये 0 हो सकता है और या फिर ये 0 हो सकता है। और यदि ये 0 है तो इस y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और यदि ये 0 है तो इस y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ जाएगी। अब y की वैल्यू क्या थी आपकी, यहां से देखो कितनी है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अब अपन जानते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू y गिवन है, तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस y होगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये रूट ऑफ, ठीक है, तो प्लस माइनस रूट ऑफ 3 हो जाएगा। और इसकी मैं बात करूं तो ये हो गई वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस रूट ऑफ 2, ये आपकी इक्वेशन, ये प्लस माइनस रूट 3 और वो प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, x की पावर 5 प्लस 242 इक्वल टू 243 अपॉन में x की पावर 5, ये गिवन आपको। तो लेट कर लीजिए या पुट कर दो, लेट x की पावर 5 को यदि मैं t पुट कर लू, y कर रहे ना, y कर लो, तो यहां पे वैल्यू कितनी आ गई, देखो y प्लस 242 इक्वल टू 243 अपॉन में y। इस y को मैं इधर मल्टीप्लाई में कर दूं, क्योंकि इधर पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो y का मल्टीप्लाई y प्लस 242 के साथ में और इक्वल टू में कितना, 243। इसी को मैं लिखूंगा y स्क्वायर प्लस 242 y, और ये वैल्यू इधर आएगी तो 243 नेगेटिव आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टराइज मेथड से कर दो, हो जाएगा कि ऐसी वैल्यू जिनका मल्टीप्लाई माइनस का 243 हो और उनको मैं ऐड कर दूं तो 242 आ जाए, तो कौन सी वैल्यू होगी वो देखो, y स्क्वायर
प्लस 243y में से यदि आप माइनस कर दो 1y को तो आ जाएगा ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस कर 243 आ जाएगी, ठीक है। माइनस 243 इक्वल टू जीरो। देखो ये भी मैं एक बार आपको अच्छे से बता देता हूं कि क्या क्या माइनस करना है क्या क्या। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करना है तो इसका सम तो ये आना चाहिए, यानी सम तो कितना आना चाहिए 242 आना चाहिए, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए माइनस का 243 आना चाहिए, ठीक है। ऐसी कौन सी दो वैल्यू है कि 243 और कॉमा माइनस 1, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा, इन दोनों का आप एड करोगे तो यह आ जाएगा। तो इस 242 की जगह आप इन दोनों को अरेंज करके लिखना है, ठीक है ना। स्प्लिट मेथड बोल सकते हो या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हो। यहां से मैं y को मैं कॉमन निकाल दूं तो y प्लस 243 आ गया, माइनस 1 को कॉमन निकाल दूं तो y प्लस 243 आ गया, इक्वल टू में कितना आ गया जीरो। यहां से y प्लस 243 कॉमन आ गया और रिमेनिंग वैल्यू y माइनस 1 इक्वल टू जीरो, दोनों का आप जीरो के इक्वल पुट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई y प्लस 243 इक्वल टू जीरो और ये y माइनस 1 इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू आ गई y इक्वल टू माइनस 243 और ये वैल्यू आ गई y इक्वल टू 1। इस y की वैल्यू कितनी है x की पावर 5 है और इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस 3 की पावर x 5 लिख सकता हूं। देखो माइनस 3 की पावर 5 करोगे तो माइनस का 243 आएगा, ठीक है। कंपेयर करोगे तो पावर सेम है तो बेस सेम हो जाएगा। ये लीजिए प्रॉपर्टी कौन सी यूज की मैंने, ये ध्यान से देखना इसको, ए की पावर एम और ए की पावर एन दी हुई है, पावर सेम है ना, ये दिया हुआ आपको तो इन दोनों की पावर सेम है तो ये बेस आपस में क्या होंगे इक्वल आ जाएंगे, वही किया है। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं एक्स की पावर 5 इक्वल टू 1 की पावर 5 की वैल्यू 1, बेस सेम है पावर सेम है तो बेस इक्वल आ जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1, वहां से कितनी हो गई माइनस का 3। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो देखिए आराम से आप नोट डाउन कर लो इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 के बारे में डिस्कस करें तो 3 में आपको गिवन है 10x की पावर माइनस 2 माइनस 9 माइनस x की पावर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले तो इसकी पावर को पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिव है ना, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन की जो पावर गिवन आपको उसको आप किसमें बना दो, पॉजिटिव पावर में बना दो। पॉजिटिव पावर अपन जानते हैं कि ऊपर से नीचे कोई पावर जाती है तो उसका साइन चेंज होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे कोई पावर जाएगी तो उसका साइन चेंज होगा, तो ये पावर नीचे आएगी तो 10 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 9 माइनस, ये पावर नीचे आएगी तो एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0 आ गया। पूरी इक्वेशन को मुझे इस नीचे वाले एक्स की पावर 4 को उठाना है तो पूरी इक्वेशन को मैं एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स की पावर 4 और माइनस का 1 एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0। इससे इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो ये 2 यानी 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये लिखेंगे पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस माइनस प्लस 9 एक्स की पावर 4, ये माइनस का 10 एक्स स्क्वायर और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंज करना है, इसको रिड्यूस करके चेंज करना है तो लेट करके एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वाई पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 9 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 10 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दें तो 9y स्क्वायर, देखो सम तो कितना आना चाहिए आपका माइनस का 10 आना चाहिए, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए इस 1 का और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 9 आना चाहिए। ऐसी दो वैल्यू कौन सी है कि जिनका मल्टीप्लाई तो कितना हो 9 हो,
और उनका एडिशन यानी सम कितना हो, माइनस टेन हो। कौन सी वैल्यू है, ऐसी दो वैल्यू, माइनस का 9 है और माइनस 1 है। इन दोनों का आप एड करोगे तो माइनस 10 आ जाएगा, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ध्यान रखना। तो माइनस का 9y और माइनस का 1y प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आ रहा है माइनस का प्लस का 9y, तो y माइनस का 1, माइनस 1 को कॉमन निकाल दो तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 को मैं कॉमन निकाल दूं तो रिमेनिंग वैल्यू आएगी आपकी 9y माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर की वैल्यू 0 है तो या तो आपका y माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या फिर होगा 9y माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। यदि ये 0 के इक्वल है तो y की वैल्यू 1 आ गई, और यदि ये 0 के इक्वल है तो y की वैल्यू 1/9 आ जाएगी। अब y की वैल्यू कितनी पुट की थी मैंने, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 1 आ जाएगी यहां से, और यहां से मैं x स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/9 की, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/3 आ जाएगी। ये ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ के बारे में। तो देखो फोर्थ देखते हैं, करते हैं फोर्थ, देखिए ध्यान से इसको आप नोट डाउन कर लो। फोर्थ में आपको गिवन है थ्री की पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 की पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये है, ठीक है, टाइम हो रहा है तो करते हैं थोड़ा जल्दी, अपन ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो को। देखो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्वाड्रेटिक में। तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 3x की पावर 2 माइनस 10 इंटू 3 की पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब लेट करके पुट कर दीजिए कि 3x की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, y। तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब अभी अभी इस इक्वेशन को मैंने सोल्व किया है, ये रहा, ये ना, ये नहीं, थोड़ा सा चेंजेबल है ना, कर देते हैं। देखो यहां पे ये 9 मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो सेम ही फैक्टर मिलेंगे आपको। तो y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 1y और प्लस का 9 इक्वल टू 0, ये आएगा। अब इसको मैं फैक्टराइज करूं तो y को कॉमन निकाल दीजिए, तो y माइनस का 3, और फिर माइनस 1 को कॉमन निकालूं तो y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां से ये 9 है भैया आपका, y माइनस 9 को कॉमन निकाले तो वैल्यू आ गई आपकी y माइनस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा नीचे लिखा, चेक कर लेना इसको थोड़ा सा, ठीक है। डिस्कस करते हैं इसके आगे क्या आएगा। देखो आपकी वैल्यू आ गई y माइनस 9 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो y माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा या फिर y माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि ये 0 तो y की वैल्यू 9 की इक्वल, और यदि ये 0 तो y की वैल्यू 1 की इक्वल। अब y की वैल्यू क्या पुट की थी मैंने, 3 की पावर x इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और ये 3 की पावर x, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 0, क्योंकि 3 की किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होती है, बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल, तो x की वैल्यू तो 2 आ गई, बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल, तो x की वैल्यू 0 आ गई, यानी x की वैल्यू या तो 0 आ गई और या फिर आएगी आपकी 2 आएगी। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है टू की पावर 2x माइनस 9 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 प्लस में 1 इक्वल टू में 0। इसको देखते हैं ध्यान से, इस इक्वेशन को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है, तो नोट डाउन कर लिया होगा भैया। देखिए
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं कि 2 की पावर 2x, ये माइनस 1 है, इसको मैं 2 की पावर माइनस, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, 2 की पावर 2x माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 9 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, इसी की तरह। अब इसी को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x और इस पूरे की पावर 2, और ये पावर नीचे आएगी तो 1 अपॉन में 2 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 2 ये आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन 2 की पावर 2 कितना 4 हो जाएगा, और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। अब लेट करके पुट कर दीजिए कि लेट 2 की पावर x को यदि मैं y पुट कर दूं तो देखो वैल्यू की क्या आएगी, y का स्क्वायर और ये इंटू में कितना है 1/2 है, माइनस 9 इंटू वाई का वाई है, इंटू में कितना है 1/4 प्लस 1 इक्वल टू 0। इस नीचे वाले 4 को उठाना है तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 कैंसिल आउट करेगा तो 2y आ जाएगा, और ये 9 इंटू वाई प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। इसके फैक्टराइज यानी इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, इसको क्या करना है आपको फैक्टराइज करना है, मिल जाएंगे क्या इसके फैक्टर, देखो इक्वेशन क्या आपकी 2 की पावर ये है प्लस 1, चलो तो देखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने पास में लास्ट दो, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यहां पे a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस 1, c की वैल्यू कितनी है 1, इन सबको मैं यहां पे पुट कर दूं तो वैल्यू माइनस b की वैल्यू माइनस 9 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कर रहा हूं तो माइनस 9 का स्क्वायर करो 81 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 1 अपॉन में वैल्यू कितनी है 2 इंटू a, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं सोल्व करूं तो x की वैल्यू आएगी आपकी माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस रूट ऑफ ये 9 है आपका, और ये 81 माइनस 8, 81 में से आप माइनस 8 करोगे तो 72 आएगा, कितना आएगा 73 आएगा, अपॉन में कितना आएगा 4, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, करेक्शन कर दी क्या मैंने कुछ, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, देखो ये इक्वेशन आपकी 2 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 9 इंटू 2x की पावर x माइनस 2 और प्लस 1 ये वैल्यू है, देखो यहां पे 4 आएगा भाई, ये करेक्शन कर दी मैंने, है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना 4 से तो ये 4 आएगा। अब हो जाएंगे इसके फैक्टराइज, ये लो मैं इसको लिख के देता हूं, है ना, देखो इसको मैं फैक्टराइज करूं तो 2y स्क्वायर, ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट तो कितना हो 8 हो और सम कितना हो माइनस का 9 हो, ऐसी दो वैल्यू तो आ जाएगा 8 माइनस का और माइनस का 1, इन दोनों को आप प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा और ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं माइनस 8y माइनस 1y और प्लस का 4 इक्वल टू 0, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं इसको 2y को कॉमन निकाल दो तो y माइनस का 4 माइनस 1 को कॉमन निकाल दो तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये कितना y माइनस 4 कॉमन आएगा, रिमेनिंग वैल्यू 2 माइनस 1 इक्वल टू 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, यदि मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो y की वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 2, कितनी आएगी 1 अपॉन में 2। अब y की वैल्यू क्या पुट की थी मैंने 2 की पावर x, तो इसको चेंज कर दो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से
x की वैल्यू 2 आ गई। इसको लिखें तो 2 की पावर x इक्वल टू, ये पावर ऊपर जाएगी तो 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर 1 है ये पावर ऊपर जाएगी तो 2 की पावर 1, बे सेम है तो पावर आपस में इक्वल, तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो माइनस 1 और 2 आ जाएगी। ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, 5 ही क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।